अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज भाई कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली आकाशम टीवी से मैं सैयद अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ। जी भाई, कैसे हैं आप लोग? बारकअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलियास भाई। और आप कैसे इलियास भाई? अल्लाह का फजल करम और रहम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मियां। जी जी फरमाइए। जी इलियास भाई, एक सवाल बोलिए। जी। जो उदयपुर में जो एक कन्हैया लाल का जो टेलर था पेशे से, उसका जो कत्ल हुआ, आप सुन रहे जी जी जी? रियाज और गौस नाम के दोनों शख्स जो है ना, उसको कत्ल करते हैं उसकी दुकान पे घुसकर, और उसके बाद वीडियो बनाते हैं, फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये था इलियास भाई कि क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, या फिर आप इसको कैसा देखते हैं आप इसको? पिछले 2 दिन में जब से वो हरकत हुई, अगर मेरे डिबेट्स देखे या वीडियो क्लिप्स देखे जी, तो मैं साफ तौर पर कुरान सही हदीस से बताया हूँ जी कि कोई भी इंफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर अपने हाथ में कानून को लेकर जी कत्ल की सजा देना इस्लाम में बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर तक जायज नहीं है। जी हुकूमत सजाएं देती है। जी जी हुकूमत सजा को नाफिज करती है जुर्म के हिसाब से। जी तो यानी आपका इंडिविजुअल तौर पर ये जो हरकत हुई है बिल्कुल गैर इस्लामी हरकत है जी, और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जी यानी आपका कहने का मतलब रियाज और गौस ने जो किया है वो एकदम शरई खिलाफ है और इनको सजा होना है, आपका कहने का मतलब यही है क्या रियाज भाई? 100% मेरा कहने का मतलब यही है, शरीयत पर इसकी गुंजाइश नहीं है। जी इन्होंने जो हरकत की है गैर इस्लामी हरकत की है जी, और इसके लिए उनको जो सजा है कानूनी एतबार से होनी चाहिए मुनासिब सजा जी। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है जी कि ये हरकत शुरू हुई 2014 के बाद से जी, जब आरएसएस बीजेपी बजरंगल के आतंकवादियों ने जी, मासूम जुनैद को, पहलू खान को, इखलाक को, शार्दुल को और तबरेज अंसारी को मारकर वीडियो बनाकर वायरल करे, तो ये वाले जहरीले हिंदुत्व आतंकवादियों के जरासीम इस तरह से बाद मुसलमानों में भी आ गए हैं जो हरकत करें। तो उसपे तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना इलियास भाई? पुलिस सही कार्रवाई करती मेरे भाई जी, तो आज ये नौबत नहीं आती। पहलू खान को जिन्होंने मारा उनको आजाद किया गया, यूनियन मिनिस्टर ने उनको फूलमालाएं पहनाई, गवर्नमेंट जॉब दिए गए उनको, और उसमें से एक जना खत्म हो गया तो उसके घर वालों को पेंशन भी दी गई जी। तो इलियास भाई, अभी आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू जो मतलब ख्यालात रखते हैं बच्चे, इस तरीके के नारेबाजी करते हैं और सोशल मीडिया पे तकरीबन इसको जो है ना पोस्ट करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मैसेज रहेगा इलियास भाई नौजवानों के लिए, खासकर यंग जनरेशन के लिए? मेरा मैसेज ये है कि कुरान सही हदीस को अच्छे से तर्जुमे से पढ़िए जी, कुरान और सुन्नत वाले तौहीद और सुन्नत वाले उलमा से दीन इस्लाम को सीखिए, सीख कर अच्छे से जुबान से दावत दीन का काम करिए, शिर्क और बिदात और हराम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, डट के आवाज उठाइए, तौहीद और सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह के दीन की, अल्लाह के अहकाम की, शरीयत की दावत दीजिए और जुल्म के खिलाफ डट के आवाज उठाइए। और अगर कभी आप पर जुल्म हुआ तो आप आवाज उठाते हुए पुलिस वगैरह का, लोकल लॉ एंड ऑर्डर के अथॉरिटीज का सहारा लीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई आपका कीमती वक्त लेने के लिए। बारकल्ला बारकल्ला भाई, सलाम।